क्या आप जानते हैं इसे? जी हाँ, सही पहचाना, यही है गाजर घास, जो आपके घर आंगन, कॉलोनी, खाली स्थानों में, सड़क के किनारे, रेलवे लाइनों के आसपास, खेल के मैदानों में बहुतायत में पाया जाता है। इसके अलावा खाद्यान्न, फसलों, सब्जियों, उद्यान में एवं वनों में भी उगता है। आइए जानते हैं इस विनाशकारी खरपतवार के बारे में। गाजर घास का उत्पत्ति स्थान। गाजर घास, जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टोफोरस है, एस्टीरेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। इस खरपतवार की उत्पत्ति का मूल स्थान मैक्सिको और मध्य एवं उत्तरी अमेरिका माना जाता है। पिछली शताब्दी के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और में भी फैल गया है। विश्व में ये खरपतवार अमेरिका, मैक्सिको, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन तथा ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न भागों में भी फैला हुआ है। भारत में गाजर घास का प्रवेश एवं फैलाव। हमारे भारतवर्ष में गाजर घास के होने के प्रमाण 19वीं शताब्दी के अंत से पाए जाते हैं, लेकिन सन 1956 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में यह बहुतायत में देखा गया। ऐसा माना जाता है कि उस समय PL 480 स्कीम के अंतर्गत अमेरिका से आयातित अनाजों का भारतवर्ष में वितरण किए जाने के फलस्वरूप इसका फैलाव बहुत तेजी से हुआ। भारत में 1975 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार गाजर घास भारत में 5 मिलियन हेक्टर क्षेत्र में फैल चुका था। 2005 में किए गए आंकलन के अनुसार अब 10 मिलियन हेक्टर क्षेत्र में फैलाव हो चुका है। 1975 तक गाजर घास सिर्फ परती भूमि, खाली जगहों, सड़क और रेलवे के किनारों में एक समस्या थी। वर्तमान में इसका प्रकोप हर किस्म की फसलों, बागों, वनों आदि में हो चुका है। आज गाजर घास भारत के हर प्रदेश में अपना पैर पसार चुका है। उत्तर पूर्व भारत में भी यह एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हाल ही में इसे अंडमान निकोबार द्वीप में भी पाया गया। गाजर घास का जीवन चक्र। गाजर घास एक गाजर की पत्तियों जैसा दिखने वाला एक वर्षीय शाकी पौधा है। इसका पौधा 1 से 2 मीटर तक लंबा होता है। तना रोएदार व अत्यधिक शाखाओं से युक्त होता है। सफेद रंगों के फूलों वाला ये पौधा 5,000 से 25,000 तक बीज पैदा करता है। गाजर घास का पौधा 3-4 माह में जीवन चक्र